नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर समीर फुटाने, न्यूरोसर्जन। इसका मतलब मेंदु और मस्तिष्क एवं रीढ़ की हड्डियों का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर हूं। सह्याद्री हॉस्पिटल नासिक यहां पे काम करता हूं। अब मस्तिष्क का डॉक्टर अगर मैं बोलता हूं तो मेरे पास में अक्सर पेशेंट्स आते हैं, मरीज आते हैं सिर दर्द की शिकायत लेके कि हमें सिर दर्द है। और कई लोगों को डर भी रहता है कि ये सिर दर्द के कहीं मुझे कोई ट्यूमर की वजह से तो नहीं, या कोई मुझे कोई बहुत गंभीर बीमारी तो नहीं कि जिस वजह से मुझे ये सिर दर्द हो रहा है। तो दोस्तों, मैं आप सबको ये सब बताना चाहूंगा कि देखिए, ऐसा है, सिर दर्द हुआ नहीं ऐसा शायद कोई इंसान है ही नहीं। हर इंसान को कभी न कभी किसी न किसी वजह से सिर दर्द हुआ है, भले ही वो आंखों पे तेज रोशनी पड़ने की वजह से हुआ हो, या कुछ उल्टा सीधा खाने की वजह से हुआ हो, या फिर कोई मानसिक तनाव से हुआ हो। सिर दर्द हुआ नहीं ऐसा कोई होता नहीं, हर किसी को सिर दर्द होता है। तो इसलिए हम सिर दर्द से ना डर, सिर दर्द कोई बहुत गंभीर बीमारी है ये है ऐसी बात नहीं, डेफिनेटली इसमें तकलीफ है कुछ है, लेकिन अगर हम उसको उसकी वजह को समझने की कोशिश करें तो फिर ये समझ में आएगा कि ये सिर दर्द इतनी डरावनी भी नहीं है। लेकिन एक न्यूरोसर्जन होने के नाते, एक ब्रेन का ऑपरेशन करने के नाते, मुझे कुछ डरावने सिर दर्द के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। आमतौर पर जो सिर दर्द रहते हैं, जो लगातार बीच बीच में होते हैं, ऐसे होते हैं, कई दिनों से चल रहे हैं, कई सालों से चल रहे हैं, तो आमतौर पर ये माइग्रेन होता है, अर्धशिशिर जिसको कहते हैं, कि जिस माइग्रेन की वजह से इस तरीके का दर्द होता है। लेकिन कुछ दर्द ऐसे होते हैं, जैसे अभी मुझे अक्सर पेशेंट पूछते हैं कि हमें ट्यूमर की वजह से तो नहीं दर्द, तो ट्यूमर का जो दर्द रहता है ना, जो सिर दर्द रहता है, एक्चुअली वैसे देखा जाएगा तो ब्रेन ट्यूमर सिर दर्द लेके आए ऐसा बहुत बार नहीं होता है, होता है कई बार लेकिन बहुत बार नहीं होता। उसमें एडिशनल सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे सिर दर्द के साथ में लगातार चक्कर आती है, या एक आध बार बेहोश हो गए हैं, या एक आध बार मिर्गी का दौरा पड़ा है, फिट आई है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे सिर दर्द होता है और इस साइड की बाजू हमारी धीरे 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 कमजोर हो जा रही है, हाथ से चीजें फिसलती जा रही है, या कुछ लोग बोलते हैं आंखों में रोशनी कम होती जा रही है, सिर दर्द के साथ में दिखना मुश्किल होता जा रहा है, या चलने में बैलेंस जा रहा है, चल नहीं पा रहा है, गिर जा रहा है, या किसी के बिहेवियर में, वर्तन में बदल हो रहा है, जैसे नॉर्मली जो काम कर रहे हैं वो कर नहीं पा रहे, भूल जा रहे चीजों को। सो ऐसे सिचुएशन में ब्रेन ट्यूमर या ऐसा होने की संभावना है कि थोड़े चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। जो टिपिकल ब्रेन ट्यूमर का जो हेडेक होता है ना, वो सिर दर्द जो होता है सुबह उठ के होता है, जो सुबह उठ के बिल्कुल तेज दर्द से इंसान उठ जाता है, सुबह उल्टी होने लगती है, तेज उल्टी होने के बाद में थोड़े समय बाद में ज्यादा दम लेने के बाद में फिर थोड़ा 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 राहत मिलना चालू हो जाता है। तो इस तरीके का जो दर्द होता है वो कई बार ट्यूमर की वजह से या ब्रेन लीजन की वजह से होने की संभावनाएं होती है। वैसे आमतौर पर ये जो सिर दर्द रहता है ये ट्यूमर की वजह से होने के चांसेस ओवरऑल बहुत ही कम है। दूसरी एक सिर दर्द की प्रॉब्लम है जो मेरे पास में अक्सर आते हैं, जिन मरीजों का पिछले कुछ दिनों में एक्सीडेंट हुआ है, पिछले 8 दिन में 10 दिन में या हफ्ते भर पहले, कई बार महीने भर पहले भी, तो वो कहते हैं हल्का हल्का दर्द होते रहता है। तो ये जो सिम्टम्स है ना, तो इसे माइनर हेड इंजरी सिम्टम कहते हैं। इसके साथ में सिर्फ सिर दर्द नहीं रहता है, इसके साथ में रहता है चक्कर आना रहता है, गिडीनेस, मतलब बार बार चक्कर आने जैसा लगता है, इजी नहीं लगता, अनइजी लगते रहता है, ऐसा लगता है कुछ सही नहीं चल रहा है, कुछ गलत है। चोट तो हल्की सी लगी थी, सीटी स्कैन भी हमारा नॉर्मल था, उसमें कोई ऊपर थोड़े से टाके आए, कई बार उठना भी नहीं हुआ, बिल्कुल छोटी सी चोट लगी फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। फिर कभी भूख नहीं लग रही है, नींद भी नहीं आ रही है, थकान थकान सी लगी रहती है। तो देखिए ऐसा रहता है ना, इसमें कोई फिजिकल रीजन कई बार ज्यादा मिलता नहीं है, सिटी स्कैन नॉर्मल रहता है, ब्लड रिपोर्ट सारे नॉर्मल रहते हैं, और इंसान को कई बार सिर दर्द हुआ भी नहीं रहता, पहले कभी सिर दर्द मिलता है लेकिन अभी चोट लगने के बाद में सिर दर्द हो रहा है। तो ये जो सिम्टम है ना, ये बेसिकली सिर को चोट लगने की वजह से एक डर सा बैठ जाता है कि मुझे चोट लगी है, मुझे लगा है, या शायद मुझे कोई खतरा महसूस हुआ है। तो ये जो डर है, ये डर इन सब लक्षणों के थ्रू एक्सप्रेस होते रहता है, व्यक्त होते रहता है, इसे लगा था। तो आमतौर पर जैसे समय चलता है, आगे चलता है, इंसान अपने नॉर्मल रोजमर्रा की जिंदगी में बिजी हो जाते हैं, अपना रेगुलर काम करना शुरू करते हैं, और जो एक्सीडेंट वाली घटना को भूल जाते हैं, तो उसके साथ साथ ही धीरे 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 दर्द वो खत्म हो जाता है। तो सिर की चोट के लगने की वजह से जो सिर दर्द होता है वो ज्यादा इतना मायने नहीं रखता, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो समय के साथ में धीरे धीरे कम हो जाता है। हाँ, लेकिन कुछ जो ज्यादा उम्र वाले मरीज है, जैसे सब जिनकी उम्र 70 है 80 है, तो इनमें चोट लगने के मान लो 1.5 महीने बाद में 1 महीने बाद में दर्द अगर शुरू हो जाता है जो शुरू में नहीं था, तो ऐसे मरीजों में कई बार छोटे छोटे खून के थपके जमा होने की वजह से, वो पिघल जाने की वजह से क्रॉनिक सबड्यूरल हेमाटोमा होता है, इसमें इस तरीके का दर्द होना शुरू हो सकता है।
तो ऐसे अगर बहुत देर के बाद में अगर दर्द शुरू होता है तो ऐसे मौके पे करीबी न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से जरूर। और तीसरा टाइप का सिर दर्द होता है जो एज ए न्यूरोसर्जन करके मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, वो है बिल्कुल तेज सिर दर्द। ऐसा लगता है जैसे बिजली कड़क गई है, बिल्कुल अचानक से, कुछ नहीं, सब ठीक चल रहा है, अचानक से बहुत ज्यादा तेज सिर दर्द हुआ, इंसान बिल्कुल बेहोश हो गया, उल्टी भी हुई साथ में, और एक बाजू जैसे कमजोर सी हो गई है, आंखें बंद कर ली है, बिल्कुल ये नहीं हो पा रहा है, और अगर डॉक्टर के पास नहीं ले गए तो बीपी बहुत ज्यादा आ रहा है, 190 के करीब बीपी आ रहा है। सो ये जो शिकायत, ये जो प्रॉब्लम होता है ना, ये दिमाग में कोई खून की नस कटने की वजह से, ब्लीडिंग हो जाने की वजह से, खून जमा हो जाने की वजह से इस तरीके का दर्द हो सकता है। तो ये जो होता है ये एक होती है जेन्युइन इमरजेंसी, जिसमें इमरजेंसी जांचें करके सीटी स्कैन वगैरह करके ब्लीडिंग क्यों हुआ है उसकी जांच, उसका असेसमेंट करके उसका रिपोर्टिंग, उसका सब देखना होता है, जिसके चलते आगे का इलाज जो है इसमें डिसाइड करना पड़ता है। लेकिन ये मैं बार बार दोहराना चाहूंगा इस बात को कि जो सिर दर्द के लिए जो डर है वो डर इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि आमतौर पर जो सिर दर्द होता है ये कई बार बहुत छोटी छोटी चीजों की वजह से होता है, और उसे रिजॉल्व करना, उसे ठीक करना, कई बार आप अपने रेगुलर न्यूरोलॉजिस्ट न्यूरोसर्जन के पास में अगर जाते हैं तो वो उसका बिल्कुल आसानी वाला हल आपको बता सकते हैं। इसलिए सिर दर्द से ना डरे, अपनी जिंदगी से प्यार करें और बहुत खुशहाली जिंदगी जिए। नमस्ते।